हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहा है 3:30 और हम लोग जा रहे हैं हेयर वॉश करने। मतलब जैसे कि आपको पता है कि हेयर वॉश करने फ्राइडे के दिन बुलाया था और फ्राइडे आज है। और हाँ, अद्विक का बकबक अभी भी चल रहा है अद्विक की, क्योंकि उसको क्या होता है कि पापा ने कुछ भी पहना है, अगर शर्ट पहना हो तो उसको शर्ट चाहिए, अगर पापा ने टी शर्ट पहना हो तो उसको भी टी शर्ट चाहिए। तो ऐसे करके वो हाँ जेलस होता है उसके पापा से। मतलब अभी बोल रहा है, उसको टी शर्ट पहना दिया ना मैंने, तो अभी बोल रहा है उसके पापा को कि आप शर्ट क्यों पहन रहे हो। मैंने वो मुझे पूछ रहा है कि क्या पहने, तो मैंने बोला शर्ट पहन लो, तो बोल रहा है कि आप शर्ट क्यों पहन रहे हो, मुझे भी शर्ट पहना दो। ऐसे करके देखो उसकी पगबग ऐसे करता है वो। माही रेडी हो रही है इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। मतलब माही ना स्कूल से अभी आई है, तो इसी वजह से माही का ही वेट कर रहे थे हम लोग, नहीं तो अभी तक चले जाते। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया और 1 मिनट में खाना देखती हूँ, अभी माही ने खाना खाया उधर से आने के बाद और गलाटा करके रखा होगा किचन में। ओ ये तो माही का क्या होता है, नहीं आज नहीं किया। ये तो माही का क्या होता है कि किचन पता नहीं उसका क्या होता है, तो उसे थोड़ा सा भी कुछ करती है ना तो किचन बहुत ज्यादा मेसी करके रख देती है। मतलब खाना भी ले लेती है ना तो मेसी करके रख देती है किचन। तो इसी वजह से अगर वो सब्जी ले लेगी तो सब्जी गिराएगी, या कुछ भी वो मुरमुरे वगैरह भूनती है तो वो मुरमुरे गिरा देती है, या कुछ भी ऐसे पूरा कर देती है ऐसी। मैडम रेडी हो गई है तो पूछ रही थी मुझसे क्या पहनो क्या पहनो, मैंने बोला कुछ भी पहन लो, तो ये डांगरी और वो पहना है इसने टॉप अंदर ब्लैक कलर का, अच्छी लग रही हो। तो चलो अभी उसका क्या चल रहा है अद्विक का? बोल रहे कि मुझे ये वाला पैंट चाहिए। हाँ उसका पैंट और कपड़ों के लिए ये मतलब उसके तमाशे रहते हैं हमेशा। देखो रो रहा है, देख हाँ इसीलिए मुझे लगा ही था वो उसका हमेशा का ही रहता है, जब भी बाहर निकलते हैं जाने के लिए तो उसका रोना धोना रहता ही है, वो भी कपड़ों के लिए, सिर्फ कपड़ों के लिए। मतलब इतना ज्यादा वो करता है कपड़ों के लिए, दिन में कपड़े 4 चेंज करता है, 4 कपड़े चेंज करता है दिन में। और कपड़े चेंज करने के बाद वॉशिंग मशीन में डाल भी देता है कपड़े जाके, मतलब जो चेंज किए हुए कपड़े रहते हैं ना तो वो वॉशिंग मशीन में डाल भी देता है। तो ऐसे करके ये पैंट शर्ट क्यों पहन रहे हो आप, उसी के लिए अभी उसका चल रहा है, रोना धोना उसी के लिए है उसका, कपड़ों के लिए। मतलब उसके पापा, उसको लगता है कि उसके पापा ने हमेशा लोअर टी शर्ट पे ही रहना चाहिए, जो घर वाला टी शर्ट और लोअर रहता है ना वही पहन के बाहर आना पापा चाहिए। से अच्छे दिखना चाहिए उसे। मतलब उसको लगता है कि पापा अच्छे दिखने ही नहीं चाहिए। और हाँ अभी आज हेयर वॉश होगा तो थोड़े से मतलब बाल वाल ये करने के लिए मिल जाएंगे मुझे, हेयर स्टाइल वगैरह कुछ करने के लिए मिल जाएंगे, नहीं तो बाल ऐसे ही रखने के लिए मतलब रखना पड़ रहा है मुझे। और सोने के टाइम ना मैं ऐसे करके सो रही थी, पूरा ऐसे लेके और एक साइड में ऐसे सो रही थी, और अगर मुझे पलटना हो तो फिर दूसरे साइड में ऐसे करके ले रही थी और ऐसे करके सो रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे 2 दिन, मतलब जिस दिन किया उस दिन, कल का दिन बीच में गया, और कल तो मतलब फेस वॉश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे स्पॉन्ज से वाइप कर रही थी सिर्फ, और वो जो क्या बोलते हैं उसे वेट वाइप आता है उससे किया, फेस वॉश तो लगाया नहीं, फेस वॉश एक बार लगाया और स्पॉन्ज से वाइप किया, फिर वो कुछ जमा नहीं, तो इसी वजह से फिर वो वेट वाइप से ही कर रही थी। तो ऐसे करके मैंने कल का दिन निकाला, आज भी मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन तो आज मैंने नहाया अच्छे से, फिर भी ऐसे बांध लिया, मैंने बोला जान दो अभी क्या कर सकते हैं, तो ऐसे करके थोड़ी देर के लिए बांध लिया था, और इतना फास्ट नहा लिया कि मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसी वजह से फास्ट नहाया दो मैंने, मिनट में 2 मिनट में मैंने नहाया और जल्दी से चली आई। ऐसा लगेगा मैंने फेस वॉश ही किया है बस। नहीं, मैं जल्दी से मतलब नहाया मैंने आज और जल्दी से चली आई। तो ऐसे करके चलो फिर अभी निकलते हैं, हो गया क्या आपका? चलो अद्विक ना यहाँ पर मतलब खुद सैंडल पहनने लगाया है अभी, तो इसी वजह से मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है उसका। और ना उसकी एक बहुत आदत अच्छी है, मतलब वो आदत तो मुझे भी इतनी अच्छी लगती है कि मुझे प्राउड फील होता है उस पर। मतलब इतना है कि कोई किसी के घर भी जाता है ना वो, तो पहले चप्पल निकालता है और सैंडल या कुछ भी जो उसने पहना है तो वो निकालता है, और उसके बाद वो किसी के घर में अंदर आता है। तो हम लोग श्रीकांत के घर वगैरह जाते ना तो अंकल कितनी बार बोलते हैं उसे कि वैसे ही चले जाओ वैसे ही चले जाओ, बट नहीं, उसको थोड़ी देर के लिए भी जाएगा ना, 5 मिनट के लिए भी कहीं जाएगा ना तो थोड़ी देर के लिए भी जाता है, तो पहले बाहर शू या सैंडल उतारता है और उसके बाद अंदर जाता है। तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और इसकी वजह से ही मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है।
बैठ गया हमेशा की तरह ड्राइविंग सीट पे। म्यूजिक झाला का? हाँ झाला। उधर चले गया और डी मार्ट में चलेंगे क्या? हाँ आपको नहीं पूछ रही हूँ मैं। आपको पूछ रही हूँ क्या? पापा को पूछ रही हूँ। क्यों नहीं चलेंगे डी मार्ट में इधर से? वो काम हो जाने दो। हाँ ये हेयर वॉश हो जाने दो, फिर डी मार्ट में चलते हैं, थोड़ा सा ग्रोसरी लानी है मेरी। तो ये फायदा ना, मतलब पास में डी मार्ट होने का फायदा ये है कि बार बार डी मार्ट जा सकते हैं। यहाँ के यहाँ है तो कुछ लगता भी नहीं डी मार्ट जाए, मतलब क्या शॉप में जाना और डी मार्ट जाना सेम ही लगता है। तो चलो अभी डी मार्ट भी चले जाते हैं इधर से, पहले जाके आते हैं वहाँ से। अभी वहाँ पर कितना टाइम लगेगा ये भी मैं पता, हेयर वॉश ही करना है बस, और हेयर कट कर लेती हूँ, सॉरी हेयर कट कर लेती हूँ थोड़ा सा। हेयर कट ना मतलब नीचे नीचे के बाल जो है वो थोड़े से कट करवाने हैं, स्प्लिट एंड्स जो है वो कट कर। चाइनीज है मजे के शर्ट, ठीक है ठीक है। एटीएम किस लिए? कार्ड नहीं नहीं वो वहाँ पर हेयर वॉश के लिए नहीं जरूरत, अब वो फ्री में देंगे, वो हेयर वॉश फ्री में देंगे अब। और वो वहाँ पर तो स्वाइप ही कर लेंगे ना, एटीएम के पास रुके थे यहाँ पे। चलो गाइज मैं आ गई थी अभी पार्लर में और यहाँ पर हेयर वॉश हो रहा है। और ना उस दिन से जिस दिन से मैंने ये किया मतलब स्पोनिंग किया, उस दिन से ना हेयर वॉश कर करके मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि और सिर्फ 2 दिन मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी इसकी वजह से। और आज फाइनली मुझे रिलीफ मिला क्योंकि मैं आज से कोई हेयर स्टाइल भी कर पाऊँगी और कुछ भी, मतलब कान के पीछे बार बार मेरा हाथ कान के पीछे ही जा रहा था कि कान के पीछे मैं हेयर करूँ, क्योंकि आदत हो जाती है ना हमें, किसी भी लड़की की आदत होती ही है कि बार बार हेयर्स कान के पीछे करने की। तो इसी वजह से वो आदत तो मेरी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार पीछे करती रहती हूँ कान के पीछे हेयर्स, तो ऐसे करके मतलब बहुत बार ऐसे ही जा रहा था मेरा। तो आज मैं फाइनली रिलीफ मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पर हेयर आने के बाद मुझे लेना है यहाँ पर कंडीशनर, शैम्पू और सीरम इसी पार्लर से, तो वो मैं ले लूँगी बाद में। और उसके बाद मतलब हेयर वॉश होने के बाद कम से कम मेरी हेयर स्टाइल तो बनेगी, मतलब जो मैं डेली करती थी। और ऐसे ना खुले छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार आँखों पे आते हैं बाल, तो ऐसे करके तो ये वाले बाल तो बहुत ज़्यादा आ रहे थे आँखों पर। और इसी तरह से और आज वो भैया आज भी स्मूदनिंग कर रहे थे, तो उसी टाइम स्मूदिंग चल रहा था उनका, तो इसी वजह से उन्होंने ये इस मतलब लड़की को बोला था कि मेरा हेयर वॉश करने के लिए, तो वो जो शैम्पू होता है स्पेशल इसके लिए स्मूदनिंग के लिए, तो उसके लिए ही वो वही शैम्पू से मेरा हेयर वॉश कर रही है। और उसके बाद अभी कंडीशनर लगाया है उसने, हेयर वॉश हो गया है और अभी कंडीशनर लगाया है, कंडीशनर भी थोड़ी देर अप्लाई करके रखेंगी और उसके बाद फिर हेयर वॉश कर लेगी दोबारा से, और बाद में हेयर कट होगा। और मुझे हेयर कट भी करना था, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा लेट हो गया था यहाँ पर भी। तो उसके बाद फिर कहाँ पर हमें डी मार्ट भी जाना था, तो डी मार्ट में ग्रोसरी लेनी थी, तो ऐसे करके यहाँ पर ही हेयर वॉश में टाइम गया था। तो अभी यहाँ पर ड्रायर से मेरे बाल वो ड्राई कर रही है और वो भैया साइड में वो कर रहे हैं स्मूदनिंग कर रहे हैं किसी लड़की की, तो इसी तरह से वो और फिर भैया आ गए थे और फिर मेरा हेयर कट कराया था भैया ने, तो इस तरह से वो हेयर कट करा रहे हैं मेरा। और मैंने उनको बोला था कि फ्रंट लुक मुझे अच्छे से चाहिए, तो उनको सिर्फ बोला था कि पीछे के बाल जो है मतलब सिर्फ वो जो है मतलब स्प्लिट एंड्स वगैरह वो सिर्फ काटने हैं, और जो आगे के बाल हैं मुझे फ्रंट लुक अच्छा देना सिर्फ। तो वो बोले कि इसमें ना फ्रंट लुक ऐसे ही आएगा, मतलब इसमें आप कुछ भी नहीं ज़्यादा कर सकते हो, मतलब ऐसे ही अच्छे दिखेंगे बाल आपके। तो इसी वजह से उन्होंने इस तरह से मेरा फ्रंट लुक दे दिया था और इस तरह से मेरे हेयर कट किए थे, तो पीछे के जो हेयर्स है वो इस तरह से दिख रहे थे। और आप देख सकते हो मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया एक्चुअली, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया मेरे न्यू लुक। और बहुत लोगों को मतलब मुझे पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं कि हमें भी करवाना है करके, तो इसी वजह से मुझे तो और मुझे भी अच्छा लगा और आप लोगों को भी अच्छा लगा है। और इस तरह से मेरा फ्रंट लुक दिख रहा था, बट आपको मैं घर पर जाके अच्छे से दिखा दूँगी।
गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं और थोड़ा सा और कहीं गए थे बाहर, मतलब जहाँ हमें काम था तो वहाँ पर भी गए थे। और आपको मैं हेयर कट भी दिखा देती हूँ किस तरह से हुई है। और यहाँ पर हमने डी मार्ट में आइसक्रीम खाया जैसे हम हमेशा खाते हैं, तो वो वाला सॉफ्टी, तो सॉफ्टी ना बालों ने भी खा ली। यहाँ पर पूरा चिपचिपा हो गया, अभी ये मुझे वॉश करना पड़ेगा सिंपल पानी से। और पीछे का तो आपने देख ही लिया, बट आगे का देख लीजिए कुछ इस तरह से। आगे का फ्रंट लुक मैंने उनको बोला था कि फ्रंट लुक अच्छा दीजिए, बट वो बोले कि स्मूथनिंग के बाद इसी तरह से फ्रंट लुक मिलेगा। तो कुछ इस तरह से है फ्रंट लुक इसका, और मुझे पसंद आया एक्चुअली। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। और अभी मैं काम करती हूँ, मतलब काम मीन्स कितने बजे हैं, 6:30 बजे है, तो खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और अद्विक ना सो गया है आते ही, तो यहाँ पर ही मैंने उसको डाल दिया। तो चलिए फिर अभी खाना बनाते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। जब हम उधर से आ रहे थे गाइस, तो हमें एक जगह पे ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ दिखी थी, तो वहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी रोकी थी और ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ लेके आए हैं। और वहाँ पर भिंडी है और क्या है, तो वो क्या बोलते हैं, फल्ली है एक, और धनिया पत्ता है, और वो आपको साइड में दिख रहा है पालक है, और वो वाइट वाइट जो फूल दिख रहा है वो हेटे के फूल है। पता नहीं आप लोगों की साइड में मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, बट हेटे के फूल, हमारे साइड में हेटे के फूल बोलते हैं उसे। और मुझे उसकी सब्ज़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी सब्ज़ी मुझे पसंद है। इसी वजह से ये भी कभी कभी बाहर जाते हैं तो मेरे लिए लेके आते हैं, और हम लोगों को भी कभी कभी दिख जाता है तो हम लोग लेके आते हैं। ये वाली सब्ज़ी वो मुझे बना के देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं नहीं बनाती हूँ सब्जी, वही मुझे बना के देते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस उसकी सब्ज़ी। आप में से किस किस को उसकी सब्ज़ी पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और किस किस के साइड में क्या क्या बोलते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना, मतलब आप लोगों की साइड में इसे क्या बोलते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और मेरी नेल पॉलिश पूरी चूहे ने खा ली है, तो मुझे नेल पॉलिश भी चेंज करनी। सुबह के जो बर्तन थे वो भी पड़े हैं, मतलब सिंक में, तो वो भी क्लीन करने हैं मुझे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो वो भी अभी क्लीन करना है, क्योंकि ना आज सुबह बर्तन क्लीन नहीं किए थे, मतलब जब दोपहर में हम लोगों ने खाना खाया था तो उस टाइम बर्तन क्लीन नहीं किए थे और हम ऐसे ही चले गए थे, क्योंकि जल्दी हमें वहाँ पर जाना था इसी वजह से, और जल्दी से जाके आना भी था, तो इसीलिए बर्तन क्लीन नहीं किए थे। अभी बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद सब्जी, पता नहीं अभी ये कौन सी कशाची बनवाई थी सब्जी, भाजी कशाची बनाई थी सब्जी, हाँ हाँ गोभी है, माल पालक गोभी मटर, क्या क्या बनाना है अभी, सब्जियाँ तोड़ी है मैंने, तो देखती हूँ अभी क्या बनाऊँगी। तो चलिए पहले बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है। तो हेटे अच्छी फूल, ठीक है फिर। गाइज यहाँ पर मेरा खान गया था, और मैंने रोटियाँ बनाई हैं और सब्जी बनाई है भिंडी की, और भिंडी की सब्जी में ना उसकी दाल डाली है, क्या बोलते हैं तो उसे, चने की दाल, तो चने की दाल ऐड की है, क्योंकि चने की दाल बहुत सारी भिगोई थी मैंने। और चने की दाल की ना आजकल चटनी खा रहे हैं हम लोग, उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं मिंट लीव्स, क्या पुदीना पत्ता, और वो डाल के सारी चटनी बना रहे हैं हम लोग अच्छे से। बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी, आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ऐसी मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी, और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी एक्चुअली, बट इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी बनाई इसी वजह से। और उसके बाद इसके साथ कुछ चाहिए था, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने दाल अभी चढ़ा दी है, तो दाल बन रही है मेरी। बस दाल बन जाए तो पता नहीं अभी दाल को तड़का लगाना है या नहीं लगाना है, कि सादा वरण बोलते हैं हमारे साइड में, तो यही खाना है, तो देखते हैं। गाइस खाना बन गया है और अभी जाके मुझे टाइम मिला है, तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज, बाहर भी जाना था, बाहर भी गए, उसके बाद फिर आई, उसके बाद काम किए, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, फेस से तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ, खाना अब तो बन गया है और थोड़ी देर के बाद खाना खा लेंगे। खाना जैसे कि आपने देखा कि भिंडी की सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है और दाल बनाई है, तो बस इतना ही इनफ है अभी डिनर के लिए।
तो अगर ये बोलेंगे तो दाल को सिर्फ तड़का लगा दूंगी और बस हो जाएगा डिनर। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए छोटा सा ब्लॉग। पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, वीडियो रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो और हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि न्यू लुक कैसा लगा, न्यू लुक मीन्स हेयर कट कैसी लगी। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।